संभल में आज कार्यालय पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की अध्यक्षता में नगर विकास की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों से परिचय प्राप्त किया एवं नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायत से संबंधित समस्याओं जैसे जल भराव, साफ सफाई, अतिक्रमण, विद्युत की समस्या, पेयजल आदि के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने संबंधित नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से भी समस्याओं एवं समस्या के निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में विद्युत संबंधित समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की जाए, ताकि समस्या का शीघ्र ही संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जा सके। क्या पाया और क्या योजना है आगे की? यहाँ नगर पालिका में बहजोई में थोड़ा जल भराव होता है और जल भराव के लिए भी यहाँ जगह पर तालाब बने हुए हैं और कुछ जगह पे थोड़े बहुत कब्जे भी थे और कुछ निजी भूमि भी थी। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब से मिलके, ईओ साहब से, एसडीएम साहब से, सबसे मिल करके एक बहजोई के लिए अच्छा सा प्लान तैयार करते हैं कि किस तरह से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सुव्यवस्थित हो और एक दो वर्षों में लोगों को इस जल भराव से पूरी तरह से निजात मिले। अच्छा सर, जैसा कि नगर पालिका का कहना है कि हमारे बिना प्रस्ताव के लेखपाल ने प्रस्ताव कर दिया मालकाने के लिए, ये जो प्रकरण है ये 609 का है, 681 का है, तो 681 वाला प्रकरण मैं दिखाऊंगा। और हमने बात भी की है, यदि वास्तव में वहाँ पे तालाब है और हालांकि बंजर भूमि है, बंजर पर देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।